हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कैसे पबजी मोबाइल लाइट को इंस्टॉल कर सकते हो। वो और इसमें ये वर्जन की ये ख़ास बात है कि इसमें आप बिना DNS एक्सचेंजर यूज, नो VPN, नो एनीथिंग, कुछ भी बिना यूज किए ही इंडिया में ही प्ले कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अपने UC या ओपरा में जाना है। तो जाने के बाद में आपको ऊपर सर्च इंजन में सर्च करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है APK प्योर APK। जब आप इसको सर्च कर देंगे तब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, तो आपको फर्स्ट लिंक को ही क्लिक कर देना है। तो आप फर्स्ट लिंक को क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, फिर आपको डाउनलोड APK पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। 9 MB की ऐप है, तो आप इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। तो जैसा कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करने वाला। अब इसके बाद मैं आपको इस ऐप को ओपन करना है। इस ऐप मैं आपको बता दूं कि आप ये पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, नहीं तो अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो अगर आपकी गेम नहीं चली तो आप मेरे से मत कहिएगा कि ये गेम नहीं चलती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यही होगा तो वो बंद करके वीडियो चले जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है PUBG मोबाइल लाइट। जब आप सर्च कर दोगे तो ये आपके सामने कुछ फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको काफ़ी दिखा देगा अपने बारे में इंफॉर्मेशन, फिर इसके बाद में आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा डाउनलोड ओवर सर्वर, मतलब कि आप इसे अपने मोबाइल नेटवर्क से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू जब आप कर देंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो अगर आप डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड होने के बाद में इसके, तो फिर आपको इसको यहीं से क्लिक कर देना है इंस्टॉल में, तो ये अपने आप ही एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर देगा। बस फिर आपको APK इंस्टॉल कर लेनी है जिससे फिर ये गेम चलने लगेगी। तो मैं तो फ़िलहाल इसे डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले से इसी ऐप से डाउनलोड किया था, तो मैंने इसे डाउनलोड किया था। और आप इतना याद रखिएगा, इस ऐप से आप जो भी डाउनलोड करेंगे तो आपके ये डाउनलोड वाले ही फोल्डर में जाएगा। फिर आपको अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। जब आप डाउनलोड के फोल्डर में जाओगे तो आपके सामने ये देखिए दिए तार नंबर के ऑप्शन में, तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगी। कुछ मोबाइल में ये शायद ओपन हो जाए, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ओपन नहीं हो रही, ये शायद कुछ मोबाइल में ओपन हो सकती है। इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से। मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, इसका नाम है ZRG World। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, बहुत फेमस एप्लीकेशन है ये। डाउनलोड करने के बाद में इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपको वहाँ जाना है जहाँ आपने इस फाइल को डाउनलोड कर रखा है। तो अब मैंने डाउनलोड वाले में डाउनलोड किया था तो मैं इसमें जाऊंगा। फिर इसके बाद में ये देखिए मेरे इसमें पड़ी है पबजी मोबाइल लाइट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट कर लो, लेकिन मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, आपको सिंपल मैथड बताई दे रहा हूँ। आपको सीधे व्यू पर क्लिक करना है। जब आप व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 10 सेंट की आ जाएगी APK, और ये एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है, इस पर पहले क्लिक करना है। फिर OBP पे क्लिक करना है। फिर आपको ये जो फोल्डर है इस पर होल्ड कर किए रहना है। तो इन्फॉर्मेशन में मैं आपको दिखा दूँगी 234 MB की फाइल है, तो आपको इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में आपको इसे अपने डिवाइस मेमोरी में जाना है।
इसके बाद में एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद में ओबीबी में जाके पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि ये पेस्ट होने लगी। जब तक ये पेस्ट हो रही तब तक मैं इसकी एपीके इंस्टॉल कर लेना। आपको फिर से आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद में आपको फिर इसे वीव करना है। वीव करने के बाद में फिर आपको इसकी एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो रही है और ये आपके सामने इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल होने लगी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से इसकी ब्राइट क्यों बढ़ गई, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें ट्विलाइट ऐप डाउनलोड कर रखा था। तो इसमें आप गूगल प्ले प्रोटेक्ट लेना चाहते हो तो अलाउ कर दो। तो आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रही है। जब तक इसे इंस्टॉल होने में टाइम लगता है तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। एक दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये टोटली इंस्टॉल हो चुकी है। फिर आपको डन कर देना है। फिर आपको बैक आना है सब कुछ करके। फिर आपको अपने सारे टैब क्लोज कर देने हैं। इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैं आपको जैसे कि बता दूं, मैंने कहा था आपसे कि इसमें कोई भी आपको VPN सर्वर कुछ भी नहीं यूज करना। आपको बिना कुछ यूज किए हुए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने कोई भी VPN इसमें नहीं लगा रखा। आपको सीधे इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर आपको बोलते होंगे कि ये यूज करो वो यूज करो। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी अभी लॉन्च नहीं हुआ, प्ले स्टोर में है नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें चल जाती है बिना सर्वर के, बिना VPN के। तो आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इसे यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देंगे। और अगली वीडियो शायद मेरी हो सकती है कुछ इम्पोर्टेंट ऐप्स के बारे में। तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ये ओपन हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं देखिए यहाँ पे आपको सीधे गेस्ट पे लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे फेसबुक से लॉगिन कर लें, चाहे जिससे आप सभी से लॉगिन हो जाएंगे। प्रोसेस में भी लॉस्ट होम चेंजिंग डिवाइस और डिलीटिंग गेम्स और गेस्ट मेमोरीज। ये आपसे कुछ पूछ रहा है कि अगर डिवाइस लॉस या चेंज होती है कुछ भी, तो ये गेस्ट मोड आपका हट जाएगा। इसलिए मैं तो आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप फेसबुक आईडी से ही लॉगिन कीजिएगा। ये देखिए इसमें गेस्ट में भी सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड बोल रहा है। तो आपको मतलब ये तीनों में से आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो बोलेगा थोड़ी देर के लिए कि सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड। फिर इसके थोड़ी देर बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली भी लॉग इन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने इसे गेस्ट पे ही लॉगिन किया था। मैंने मेरी गेम क्रैश हो गई थी, मैंने दोबारा से आप इसे कट करके दोबारा जब ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। आप देख सकते हो मेरी लॉगिन हो गई है। इसी तरह आपको भी करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बताइएगा इस गेम में, मैं आपको उसका सलूशन दे दूँगा। अगर आप इसका गेम प्ले चाहते हैं तो गेम प्ले में इसको आपको बाद में करना, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं बाद में इसके गेम प्ले देखूँगा। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसका भी रीजन मुझे बताओ कि इसमें क्या फेंक लगा आपको, मैं उसको रिवील करके बताऊँगा आपको। मतलब आपको जो कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता दूँगा आपको। ठीक है, बताऊँगा।